इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रहेंसिव कोर्सिस गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएमेंटो एजुकेशन एन टी एट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी एनी टाइम स्टडी एनी वेयर हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो स्टार्टेड ब्रिज रियक्टिफायर एंडीड अबाउट द बेसिक्स ऑफ ब्रिज रिएक्टिफायर नाउ इन दिस स्टडी सम पॉइंट अबाउट रिएक्टिफायरियस आउटपुट करेंट आई डी सी आई आर एम एस डी सी डायड वोल्टेजेस पी आई वी एंड सो ऑन सो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो पॉइंट स्टडी करने वाले हैं वो ऐसे पॉइंट स्टडी करने वाले हैं जो कि काफी सिमिलर हैं सेंटर टेप फुल वेव रिएक्टिफायर से और जो पॉइंट्स कुछ अलग होंगे उन्हें मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा काफी डिटेल में डेरेवेशन के साथ लेकिन आज की वीडियो में जो पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं आप फुल वे रिएक्टीफायर की वीडियो को ओपन कर लीजिए उससे आप कंपेयर कर सकते हैं तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा होगा इंस्टेटेनियस आउटपुट करंट तो इंस्टटेनियस आउटपुट करंट जो आपकी है वो बिल्कुल सेम होगी जैसा हमने फुल फुलर में स्टडी किया हुआ है तो इसका इक्वेशन भी बिल्कुल सेम होने वाला है आपके लिए तो यहां पर हम दोबारा डिराइव नहीं करेंगे इसे तो ये जो इक्वेशन होगा आपका आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी पाई और साथ ही साथ माइनस आई एम साइन ओमेगा टी पाई टू ओमेगा पाई तो जैसा मैंने आपको बोला कि आप सेंटर कर सकते हो exactly हैं। बस यहां पर साथ साथ में बताते चलूंगा तो देखिए जो आई होगा वहां पर हमने पढ़ा था वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल लेकिन अगर आप लास्ट वीडियो को याद करो जब हमने ब्रिज रियक्टिफायर का बेसिक स्टडी किया था तो आपने देखा था उस बेसिक्स में टोटल चार डायोड थे और एक बार में कोई दो डायोड शॉर्ट होते थे जिसके कारण वो पाथ में आपके दो डायोड एक बार में एक साथ आते थे जिसके कारण से जो आप एम पढ़ते थे सेंटर टेप में VM अपॉन RF प्लस RL यहां पर दो डायोड होने के कारण 2RF प्लस RL हो जाता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में टोटल दो डायोड थे उसमें से कोई एक डायोड आपका शॉर्ट होता था एक बार में लेकिन ब्रिज वेव में आपके फोर डायोड्स थे जिसमें से दो डायोड शॉर्ट होते थे एक बार में दैट्स व्हाई 2rf प्लस rl बस यही यहां पर एक माइनर सा के लिए चेंज था नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 2 तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने idc कैलकुलेट किया था dc करंट ठीक है जो हमने इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट लिखी है उसी का हमने idc निकाला था आप चेक कर सकते हो आई तो IDC की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है यहां पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि आई जो है वो आपके इंस्टेंटेनियस आउटपुट करेंट के इस बेसिक इक्वेशन पे डिपेंड करती है और ये बेसिक इक्वेशन आपका सेंटर टेब फुल वेव रेक्टिफायर के जैसा ही है एग्जैक्टली exactly सेम है इसलिए आई का फॉर्मुला बिल्कुल सेम होगा कैलकुलेशन भी आपके लिए बिल्कुल सेम होगा इसके बाद जो हम लोगों ने आई निकाला था आई आर एम एस मीन आर एम एस वैल्यू ऑफ इंस्टीटे करंट थी जिसमें डीसी पार्ट भी था और एसी पार्ट भी था उसका कंप्लीट हम लोगों ने आर एम एस वैल्यू निकाल था आई आर एम एस का वैल्यू हमारे लिए आया था सेंटर में आई एम अपॉन रूट टू यहां पर भी एग्जैक्टली exactly सेम होगा कोई चेंजेस नहीं होंगे नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था पॉइंट नंबर फोर इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं आई डैश आर एम एस आई डैश आर एमएस मीन यहां पर देखिए जो इंस्टेटेनियसपुट करेंट है डीसी पार्ट भी है तो हम लोगों ने जो निकाला, वो एसी और डीसी पार्ट का कंबाइंड आरएमएस वैल्यू था आई डैश का मतलब क्या है जो आउटपुट करंट है, उसके सिर्फ एसी पार्ट का आर एम एस तो ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है फुल वेव रियक्टिफायर में तो उसे आप चेक कर सकते हैं आंसर को एग्जैक्टली exactly सेम आने वाला है अंडर रूट आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी तो यहां पर भी आपका कोई चेंज नहीं होगा नाउ नेक्स्ट जो आपका पॉइंट था पॉइंट नंबर फाइव जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था रिपल फैक्टर तो रिपल फैक्टर जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू यहां पर भी एक्जैक्टली exactly सेम होगी जीरो पॉइंट फोर एट जैसा हम लोगों ने फुल सेंटर रिएक्टिफायर में स्टडी किया था तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर सिक्स तो यहां पर पॉइंट नंबर सिक्स में हमने पी इन कैलकुलेट किया था और आप चेक करेंगे तो पी इन आपका क्या था पी इन था आपका इनपुट पावर हमने बेसिकली डीसी वैल्यू कैलकुलेट की थी पावर की तो यहां पर भी जो आपका होने वाला है पी इन का वो सेम exactly होने वाला है कैलकुलेशन भी एक्जैक्टली exactly सेम होने वाला है आई स्क्वायर आर एम एस टू आर एफ प्लस आर एल देखिए बस यही एक माइनर सा चेंज होगा जहां पर आप सेंटर टेब फुलर में आर एफ यूज करते हैं वहां पर आपको जस्ट टू आर एफ यूज करना है इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको नाउ पॉइंट नंबर सेवन अफिशियंसी तो अफिशियंसी जो आपने कैलकुलेट की है वो भी आपकी एग्जैक्टली exactly सेम होने वाली है जीरो पॉइंट एट वन आर एल अपॉन टू आर एफ प्लस आर एल अगेन आर एफ की जगह टू आर एफ इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है यहां पर भी अगर आप मैक्सिमम अफिशियंसी की बात करेंगे तो जैसा हमने आइडियल केस लिया था आइडियल केस में डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमने क्या लिया था जीरो जिसके कारण से आर एल आर एल कैंसल हुआ था और क्या मिला था जीरो पॉइंट एट वन या इसे आप नॉर्मली क्या लिख सकते हैं एटी वन परसेंट तो एग्जैक्टली सेम आंसर है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर एट यहां पर अब मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं यहां पर मैं पहले वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जिसमें कोई चेंजेस नहीं है जिन पॉइंट्स में मेजर चेंजेस होंगे उन्हें मैं सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टी यू एफ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर तो देखिए ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के लिए जो आपने फॉर्मुला देखा है वो क्या देखा है पी डीसी अपॉन एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ये आपने फॉर्मूला देख रखा है देखिए यहां पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है लेकिन एक माइनर सा चेंज आपको जरूर दिखाई देगा तो पी डीसी जो है पर आप देखेंगे अगर आप सेंटर से कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए और प्राइमरी वाइंडिंग के लिए अलग अलग कैलकुलेशन किया था क्योंकि वहां पर दोनों वाइंडिंग अलग अलग थी सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी सेंटर टेप थी लेकिन हमने हाफ रेक्टिफायर में एक ही कैलकुलेशन देखा था क्योंकि दोनों वाइंडिंग सेम थी वैसे ही यहां पर भी दोनों वाइंडिंग आपकी सेम है तो आपको एक ही कैलकुलेशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी वाइंडिंग तो यहां पर एक्चुअली टास्क आपका और इजी हो चुका है और सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर आप बात करेंगे है तो ये फुल रेक्टिफायर ही तो जो आपका एसी रेटिंग होगा वो क्या होगा वी एम बाय रूट टू एंड आई एम बाय टू तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा एग्जैक्टली सेम आंसर जो आपको फुल रिएक्टिफायर के एक पार्ट में मिला था 0.81 पॉइंट एट वन आर एल अपॉन बस यहां पर आपको टू आर एफ प्लस आर एल मिलेगा ये पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा तो अगर आप यहां पर भी बात करते हैं तो जो आपका टी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी टी यू एफ की मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.81 ठीक है तो यहां पर भी आपने क्या किया मैक्सिमम वैल्यू के लिए आइडियल केस ले लिया आइडियल केस में आपका जो आर होता है डायोड का वो क्या होता है जीरो होता है जिससे आपको टीयूएफ मैक्सिमम यहां पर मिल गया तो इस पॉइंट में अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी हो रहा हो तो जब आगे जाकर हम अलग अलग पॉइंट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे जो पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी लेकिन वैसे अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखें

अगर आपके डायोड्स जो हैं वो आइडियल हैं तो आपका 360 डिग्री ही होने वाला है ठीक है आइडियल केस में अगर आपके डायोड आइडियल हैं लेकिन अगर डायोड्स आपके नॉन आइडियल हैं तो ये आपका बिल्कुल सेम होगा जैसा आपने स्टडी कर रखा है थ्री सिक्सटी माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा नॉन आइडियल केस में क्लियर नाउ यहां पर जो थीटा की वैल्यू आपकी होगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स एग्जैक्टली सेम फॉर्मुला होगा वहां पर आपने क्या लिखा था वी गामा अपॉन वी एम लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा यहां पर दो डायोड एक साथ आते हैं जैसा मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला आज की वीडियो में तो यहां पर बस टू वी गापन वी एम आ जाएगा यही आपका एक माइनर सा चेंज है जो आपको माइंड में रखना होगा वी गामा आपका क्या था कट इन वोल्टेज था ऑफ द डायोड सो यहां पर चूंकि दो डायोड है इसलिए आप क्या लिखेंगे टू वी गामा अपॉन वीएम और इसके बाद आप बड़े आराम से कंडक्शन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं नॉन आइडियल केस में 360 सिक्सटी माइनस फोर थीटा और अगर है, तब तो आपको 10. 10 में, हम स्टडी करेंगे तो फॉर्म फैक्टर भी एग्जैक्टली exactly सेम है जैसा आपने सेंटर टेप फुलर में स्टडी किया था तो फॉर्म फैक्टर के लिए आपने क्या स्टडी किया था फॉर्म फैक्टर में आपने लिखा था आरएमएस वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू सो आई आर एम एस अपॉन आई डी सी जबकि रिपल फैक्टर में आपने क्या लिखा था आई डे अपॉन आई डी सी तो फॉर्म फैक्टर के लिए आई एम अपॉन रूट टू और आई डी सी टू आई एम अपॉन पाई आप मैच कर लीजिए एग्जैक्टली सेम है वन पॉइंट वन वन और जैसा मैंने आपको बताया था फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन बिल्कुल वही रहेगी कि हाउ स्मूथ द वेव फॉर्म इज ठीक है जितना आपका लेस होगा फॉर्म फैक्टर उतनी ही ज्यादा वेव फॉर्म आपकी क्या होगी स्मूथ होगी क्लियर सो so, इस तरीके से फॉर्म फैक्टर भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly सेम है जैसा आपने स्टडी किया था फुल वेव रिएक्टिफायर में तो ये आपके टेन पॉइंट्स थे जो काफी हद तक सेम थे सेंटर वेव फुलर से नाउ जो रिमेनिंग सिक्स टू सेवन पॉइंट्स हैं उनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और उन मेजर डिफरेंसेस के कारण हम उन्हें प्रॉपरली पूरी तरीके से दोबारा कैलकुलेट करेंगे और उन कैलकुलेशन के थ्रू अगर इन पॉइंट्स पे भी आपको कोई डाउट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा और अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं थैंक यू